इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। सैम कुरैंद की है ट्रिक और मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी के दम पर किंग्स इलेवन पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स के आखिरी 17 गेंदों में 8 रन के अंदर 7 विकेट निकालकर इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें मैच में 14 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। दिल्ली कैपिटल्स की पारी में सैम कुरैंद और मोहम्मद शमी के आखिरी 4 ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुए। दिल्ली के सामने 167 रन का लक्ष्य था और एक समय उसका स्कोर 3 विकेट पर 144 रन था, लेकिन यहां से मैच का पासा पलट गया। दिल्ली ने 17 गेंद के अंदर केवल 8 रन बनाए और इस बीच बाकी बचे 7 विकेट गंवा दिए और पूरी टीम 19.2 ओवर में 152 रन पर ढेर हो गई। कृष्ण पंत 26 गेंदों पर 39 और कॉलिन इनग्राम 29 गेंदों पर 38 रन के बीच चौथे विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी बेकार चली गई। किंग्स इलेवन पंजाब को मोहम्मद शमी 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट ने ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड कर मैच में वापसी दिलाई, तो सैम कुरैंद 2.2 ओवर में 11 रन देकर 4 विकेट ने उसे अंजाम तक पहुंचाया। इन दोनों के अलावा कप्तान रविचंद्रन अश्विन ने 31 रन देकर 2 विकेट लिए। इससे पहले टॉस गंवाने के बाद बल्लेबाजी के लिए उतरी किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को शीर्ष क्रम में क्रिस गेल की कमी खेली। उसने नियमित अंतराल में विकेट गंवाए। किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने आखिर में 9 विकेट पर 166 रन बनाए। पंजाब की तरफ से डेविड मिलर ने 30 गेंदों पर 43, सर फराज खान ने 29 गेंदों पर 39 और मनदीप सिंह ने 21 गेंदों पर नाबाद 29 रन का योगदान दिया। मनदीप सिंह ने कगिसों इरबाना के पारो के आखिरी ओवर में 1 छक्के और 1 चौके की मदद से बनाए गए 13 रन भी अंत में निर्णायक साबित हुए। दिल्ली के लिए क्रिस मॉरिस ने 30 रन देकर 3, संदीप लामिछाने ने 27 रन देकर 2 और कगिसों इरबाना ने 32 रन देकर 2 विकेट लिए। पंजाब की यह 4 मैचों में तीसरी जीत है और वह अंक तालिका में 6 अंक लेकर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। दिल्ली को 4 मैचों में दूसरी हार का सामना करना पड़ा। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज़।